अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 63 पिक्सल्स। ये फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है और हम फोटोशॉप को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ क्रिएट न्यू पे कोई पेज क्रिएट करने के लिए। तो ये एक मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया। तो सबसे पहले रिसेंट है, तो इसमें जो मेरा रिसेंट वर्क है इसमें वो शो हो रहा है। सेफ फिलहाल में भी कुछ किया हुआ नहीं है। तो ये फ़ोटोज़ के कुछ डिफ़ॉल्ट साइज दिए हुए होते हैं। और इसके बाद है एक प्रिंट का। प्रिंट के अंदर ये वो साइज़ जैसे कि A4, A6 वगैरह जो हम लोग CV के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। इसके बाद है आर्ट, ये पोस्टर वगैरह के साइज़ वगैरह होते हैं। और इसके बाद है वेब का, ये वेबसाइट के टेम्पलेट्स का ये साइज़ हैं। और ये मोबाइल के हैं साइज़ वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। और ये है फिल्म एंड वीडियो का जो साइज होता है। तो अभी फिलहाल मैं प्रिंट पे आ रहा हूँ और A4 साइज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो और ये साइड के ये साइड वाले पैनल है, ये सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट का अपन नाम दे सकते हैं। या मैं A4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे A4 पेज का साइज़ है। और ये साइज अपना साइज आएगा विड्थ और हाइट, ये भी इस वक्त मिलीमीटर में आ रहा है। तो इसके अंदर और भी साइज़ हैं, आप पिक्सल इंचेस वगैरह किसी में भी चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको इंचेस पर रख रहा हूँ। इंचेस पर रखने के बाद इसका भी रेजोल्यूशन 300 है। तो कम से कम जो फोटोशॉप पे काम होता है वो या तो 72 रेजोल्यूशन पे काम होता है या फिर 300 पे। बाकी कुछ एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो आप इसको मत छेड़िएगा, जो जैसा है इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। और ये आर्टबोटिक्स के बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मैं भी A4 साइज़ पे क्लिक करके ये क्रिएट कर दिया। तो ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस आ गया सामने। तो इसके अंदर बेसिक टूल्स हैं यहाँ पे, तो इन्हें हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सा टूल क्या काम करता है और किस लिए किस काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी ये कुछ ऑप्शंस वगैरह, ये करेक्टर्स वगैरह, ये फॉन्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ये उसकी ज़रूरत है हमें लेयर्स पैनल की। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टूल है मूव टूल। तो अभी मूव टूल यूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ है नहीं मूव करने के लिए। तो अभी मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगी तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो मैं अगले टूल पर आ रहा हूँ, इसका नाम है मार्की टूल। इसके अंदर चार टूल्स हैं। तो अभी मैं एक रेक्टेंगल है, राउंड है, स्क्वायर और ये लाइन होते हैं अपना रो और कॉलम। मैं फिलहाल ये पहले रो पे अपना स्क्वायर पे क्लिक करा और इसको ड्रैग करता हूँ माउस के साथ। तो ये देखें, ये भी एकदम स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर नहीं क्रिएट कर रहा, पूरे तरीके से स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें, मैं कहीं पर माउस अपना लेके जाऊँगा ये एकदम स्क्वायर शेप में ही आएगा। तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा स्क्वायर बॉक्स की सिलेक्शन हो गई। अभी ये फिल नहीं है, तो मैं फिल करने के लिए ये कलर ऊपर दिया हुआ है ब्लैक कलर। तो मैं इसको इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट बैक स्पेस, ये मेरा स्क्वायर पे आ गया कलर। अब इसको डिसलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिसलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी शॉर्ट की है Ctrl D, ये आपको डिसलेक्ट हो गया। अब इसी के अंदर एक और शेप दिया हुआ राउंड, मैं वो ड्रॉ करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूँगा तो एक पूरा एकदम राउंडेड शेप में आएगा ये। और इस पर मैं ब्लैक कलर करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस और Ctrl D या डी सेलेक्ट कर लें यहाँ से। अब अगर मैं इसको भी अब मूव करूँ तो ये भी मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो ये मेरा पेज लॉक है, पेज लॉक है। और दूसरा कि ये मैंने ड्रॉ तो करा है लेकिन ये अलग लेयर पे नहीं करा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी पहला टूल पे क्लिक करा मैंने, शिफ्ट साथ प्रेस करा और यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। एक ब्लैंक लेयर आ गई, फिर मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, उसके बाद इसको डिसलेक्ट करके इसको मूव करता हूँ। तो ये देखें, ये मूव टूल से इसको कहीं पर मैं मूव कर सकता हूँ।
और ऐसे हम दूसरा शेप बनाते हैं अगर राउंड वाला, फिर सबसे पहले हमें लेनी होगी लेयर। लेयर लेने के बाद फिर हम उसको करेंगे ड्रॉ। देखिए जैसे ही सिलेक्शन हो गई, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करा तो ये देखें दूसरी लेयर पर भी आ गया। राइट क्लिक करके कंट्रोल डी सेलेक्ट और डी सेलेक्ट कर दें और फिर इसको मूव टूल से मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो अभी ये आपको दो टूल्स बताए मैंने। अब अगर जैसे कि मुझे अब बॉक्स बनाना है लेकिन अब कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो मैं पहले ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कुछ कलर्स आ गए। हम यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कोई ब्लू कलर ले रहा हूँ। फिर से मैं इसकी न्यू लेयर क्रिएट करके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो देखें कलर चेंज हो गया और एक नीचे भी कलर का दिया हुआ है। तो अगर दूसरा कलर किसान यूज़ करेंगे, इसको लेयर ले लेता हूँ पहले और शेप ले लिया एक, और यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब इस बैक से जो ऑरेंज कलर लेयर में लाइट सा, इसके लिए कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाला कलर आएगा, और अब अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला कलर रहेगा। तो फिलहाल नीचे वाला करना है मेरे को, तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करा तो ये आ गया। इसको डिसलेक्ट कर दें और उसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक अलग से सेपरेट लेयर पे है। और अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना हो तो मैं वो कैसे करूँगा, उसके लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करना होगा जिससे ये पूरा बॉक्स मेरा सेलेक्ट हो गया है। मैं कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखें कोई भी मतलब अपने हिसाब से इसको साइज वाइज करना हो कुछ भी कर सकते हैं इस पर साथ। और इसको भी अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल टी और ये बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ये देखें। अच्छा अब नेक्स्ट टूल है हमारा, ये दो तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है हमारा सिंगल रो मार्की टूल। अब इसका क्या काम है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ टूल को और मैं कहीं पे भी एक लेयर ले लेता हूँ और सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन दे देगा, और अगर मैं कलर करता हूँ उस पर ऑल्ट बैक स्पेस और डी सेलेक्ट तो ये देखें बिल्कुल एक बारीक सी इसने लाइन ड्रॉ कर दी 0 पिक्सल साइज पे। मेरे ख्याल एक पिक्सल साइज होता होगा उसका शायद। और ऐसे ही एक दूसरी है कॉलम, ये जूम करूँगा तो ये आ गया डी सेलेक्ट। और ये मतलब टूल इतने यूज़ में नहीं होते हैं, दोनों बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे टूल हैं ये हैं यूज़ करने वाले, क्योंकि हम इसमें बारीक पतली लाइन ड्रॉ करनी हुई तो हम अपने साइज से इस तरह हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरह लाइन ड्रॉ करके लेयर लेके हम अपने हिसाब से इसके अंदर लाइन्स वगैरह बना सकते हैं, जितनी पतली चाहे कर लें चौड़ी कर लें, तो इसका इतना यूज़ होता नहीं है। तो आई होप आपको ये दो टूल समझ में आए होंगे। और पहले टूल के अंदर अगर मैं जाऊँ तो इसके अंदर एक और टूल दिया हुआ है आर्टबोर्ड टूल, इसका मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे एक पूरी क्लास रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, और इंशाल्लाह इसका मैं आगे आके बताऊँगा आपको। बाकी आपको ये दो टूल्स क्लियर हो गएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे वाली टूल को समझेंगे। आई होप भी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।